किसान, नौजवान, महिलाएं, गरीब तबका और जो वंचित वर्ग है उन पर अपना ध्यान फोकस किया है। इकोनॉमी कैसे और बेहतर बढ़ सकती है, आज जो खाई बढ़ गई है अमीर गरीब की, उस पर हम लोग चिंता करते हैं कैसे इसको खाई को हम कर सकते हैं। हम अपने मैनिफेस्टो में देश में जो हालात हैं उसका विवरण भी करेंगे, साथ ही एक ब्रॉड ब्लूप्रिंट भी देंगे कि आने वाले समय में हमारी पार्टी और इंडिया अलायंस हम लोग जीत कर आएंगे तो किस प्रकार से देश की चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे रोजगार उत्पन्न करने की बातें हो, किसान, नौजवान, सब पर लंबी चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई है और मुझे लगता है बहुत जल्द हम अपना औपचारिक मैनिफेस्टो की घोषणा करेंगे। उनका समाधान कैसे हो सकता है, सिर्फ जुमले और भाषण और विज्ञापन से देश नहीं चलता है, ठोस कार्रवाई करनी पड़ती है। आज मैनिफेस्टो की मीटिंग हुई थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा करी है और जो गारंटीज़ खड़गे साहब और राहुल जी बार बार बोल चुके हैं उसको एक अमलीजामा हमने पहनाया है। युवा है, किसान है, महिला है, श्रमिक हैं और सामाजिक न्याय लोगों को मिले, आर्थिक न्याय लोगों को मिले और जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए कांग्रेस पार्टी समर्पित है। हम अपने मैनिफेस्टो में देश में जो हालात हैं उसका विवरण भी करेंगे, साथ ही एक ब्रॉड ब्लूप्रिंट भी देंगे कि आने वाले समय में हमारी पार्टी और इंडिया अलायंस हम लोग जीत कर आएंगे तो किस प्रकार से देश की चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे रोजगार उत्पन्न करने की बातें हो, किसान, नौजवान, सब पर लंबी चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई है और मुझे लगता है बहुत जल्द हम अपना औपचारिक मैनिफेस्टो की घोषणा करेंगे। सब पहलुओं पर चर्चा हुई है, जैसा मैंने कहा मुख्य फोकस हमारा किसान, नौजवान, महिलाएँ, गरीब तबका और जो वंचित वर्ग है उन पर अपना ध्यान फोकस किया है। इकोनॉमी कैसे और बेहतर बढ़ सकती है, आज जो खाई बढ़ गई है अमीर गरीब की उस पर हम लोग चिंता करते हैं कैसे इसको खाई को हम कर सकते हैं। आज देश में जो हिस्टोरिक अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब ऐतिहासिक बेरोजगारी, आज लोग देश के लोग जूझ रहे हैं, शिक्षित लोग बेरोजगार हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है, सिर्फ जुमले और भाषण और विज्ञापन से देश नहीं चलता है, ठोस